الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم الشان جو نعمتیں ہم پر ہیں ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ دینی کاموں کے لیے اور دینی امور کے لیے دینی اجتماعات کے لیے اپنا وقت اگر لگ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اس لیے اللہ نے کسی کو دنیا میں گھروں کی مصروفیت میں لگا دیا تعمیرات میں لگا دیا صبح شام ان کے فون جو آتے ہیں یہی کہ ریت کی بالو کی ہڑتال ختم ہوئی نہیں ہوئی ریت کیا ہے کم ہوا نہیں ہوا سیمنٹ کا کیا حال ہے اور لوہے کا کیا حال ہے کسی کو کھیتی باڑی میں لگا دیا اور کسی کو بیوی بچوں کے خدمت میں لگا دیا ایک انسان صبح میں 10 بجے ناشتہ کرتا ہے غسل کرتا ہے ناشتہ کرتا ہے اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے کارخانے کو اپنے دکان کو جاتا ہے اور پورے تن من دھن پوری توجہ کے ساتھ جیسے حدیث پاک میں نماز کو پورے اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ آنکھیں بھی نماز میں ہیں دل بھی نماز میں ہے دماغ بھی نماز میں ہے کان بھی نماز میں ہے سارے اعضا نماز میں ہیں ایسے پورے اعضا بلکہ گھر کی ساری طاقتیں بھی جھونک دیتا ہے کاروبار میں اور 9 بجتے ہیں اس گاہک سے نمٹ لوں اس گاہک سے نمٹ لوں اس گاہک سے نمٹ لوں کرتے کرتے دکان بند کرتے کارخانے سے فارغ ہوتے 10:30-11
और बहुत तेज रफ्तारी से नो एंट्री में घुसकर शॉर्टकट रास्तों से महलों से होते हुए आया और खाना मौजूद था। दिन भर की थकान की वजह से, कैलुल्ला और आराम ना करने की वजह से तबीयत बोझल थी। पता नहीं कि खिचड़ी पकी है, गेदा पका है, बिरयानी पकी है, चावल डिपो का 10 रुपए का लगा है या 110 रुपए का लगा है। अब घटाघट उसको खा लिया और टीवी के पास कुछ वक्त पास हुआ, थकान तो थी ही। रंडियों को देखते हुए, बाजारी औरतों को देखते हुए सो गया और फिर सुबह हुई, होने तक बच्चे स्कूल जा चुके थे और फिर वही रफ्तार जिंदगी, वही दुकान, वही मकान। ये अल्लाह ताला का एक अजाब है बंदों पर। ऐ मेरे बंदे, अगर तू अपने वक्त को मेरे लिए फारिग नहीं करता तो मैं दुनिया की मुश्किलात के अंदर तुझे फंसा कर रख दूंगा। ना मर्द बीवी को रोटी दे सकता है, ना माँ बाप औलाद को रिस्क दे सकते हैं। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की जात है। मैं अपनी रोटी का मालिक नहीं। एक रोटी का लुकमा खाने के बाद मुझे दूसरे रोटी के लुकमे का यकीन नहीं कि हलक के नीचे उतरेगा पहले या मलकुल मौत पहले आएंगे। जिसे अपनी रोटी का यकीन ना हो वो बीवी को पालेगा, और जिसे अपनी रोटी का यकीन ना हो वो औलाद को पालेगा। शैतान ने दिल के अंदर ख्यालात डाल दिए, फिर मरने के बाद क्या होगा? तू हार्ट का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, तेरी जुरू का क्या होगा? बच्ची के नाम पर जमीन, बच्चे के नाम पर जमीन, बीवी के नाम पर प्रॉपर्टी, आमदनी। फिरौन बोलकर बुरा हो गया, अना रब्बुकुम अला, और ये बगैर बोले उससे ज्यादा फिरौनियत कर रहा है। मैं जुरू को पालने वाला, मैं औलाद को पालने वाला, मैं जिंदा रहा तो भी पालतू। फिरौन तो वो नहीं बोलिया था, वो तो कम से कम मौत के वक्त ईमान लेकर आ गया। अगर इसे अल्लाह ने उसके ईमान को कबूल नहीं किया, आमन तो बिरब्बी मूसा व हारून कह तो दिया था, लेकिन आज का फिरौन, खबर में जाकर भी मेरी जोरू अच्छी रहना, खबर में जाकर भी मेरी औलाद पलना, वो खेत का भाड़ा, वो अपार्टमेंट का भाड़ा, वो कारखाने का भाड़ा, बच्चों को ये बेटी का मकान, ये बेटे का मकान, और खुद की सांस का इसे पता नहीं कि अंदर की सांस बाहर आने तक रहेगा या बाहर की सांस अंदर जाने तक रहेगा। कितनों के ईद के कपड़े घरों में आते हैं लेकिन ईद से पहले उनको कफन पहना दिया जाता है। कितनों के दुल्हा और दुल्हन के कपड़े घरों के अंदर आते हैं और उनको दुल्हा बनने से पहले, दुल्हन बनने से पहले उनको कफन पहना दिया जाता है। अल्लाह का अजाब है। हदीस पाक में सरवरे कौनैन आकाइदो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा, जिसके साथ अल्लाह ताला अच्छा चाहते हैं, नेकी का इरादा करते हैं, युफक्किहु फिद्दीन, कहा कि अल्लाह ताला दीन की खिदमत और दीन की समझ उसको बरामद फरमाते हैं। ये नहीं कहा कि खास मकान दे देते हैं, किराए के मकान से निकाल देते हैं, कुछ आमदनी इनकम मंथली फिक्स कर देते हैं, खेत उसका हो जाता है, बाग उसका हो जाता है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा, अल्लाह हमारे साथ क्या मामला कब्र में करेगा? अब तो झूठों की भी दुनिया चल रही है, कज्जाबों की भी दुनिया चल रही है, हरामियों की भी दुनिया चल रही है, काफिरों की भी दुनिया चल रही है, मुशरिकों की भी दुनिया चल रही है, अल्लाह के मानने वालों की भी चल रही है, और अल्लाह के नबी के दुश्मनों की भी दुनिया, यहां नहीं पता चलेगा। कब्र में, आखिरत में, पुलसिरात में अल्लाह हमारे साथ क्या मामला करेगा? उसको दुनिया में कौन सा थर्मामीटर है
کہ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ یا شر کا, تو حدیث پاک اس کا جواب دیتی ہے من یرید اللہ بہ خیرا, جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہا لکھپتی ہو جاتا ہے, کروڑپتی ہو جاتا ہے, زمیندار ہو جاتا ہے, جائیداد والا ہو جاتا ہے, اپارٹمنٹ کے اندر 50-60 ہزار کرائے کا مکان والا ہو جاتا ہے, اور نوکری کے اندر پرموشن ہو جاتا ہے, ترقی ہو جاتی. نہیں, یو باقی ہو پھر دین کے لیے اس کو چن لیتا ہے. یہ جمعہ کے دن کاروبار کو بند کرنا نقصان کا سودا نہیں ہے. مولوی ممبر رسول پر بیٹھ کر آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, جیسے جیسے مسجد کا دستور ہے, بھائیو بزرگو دوستو, نماز پڑھو, روزہ رکھو. مولوی کو تو تنخواہ ملتی ہے, خطیب کو کور دیا جاتا ہے, لیکن جو حضرات جمعہ کے دن علماء کرام کی آمد پر, اولیاء کرام کی آمد پر, اور دین کے لیے اپنے دکانوں کو, اپنے مکانوں کو, اپنے فیملی سسٹم کو آگے پیچھے کرتے ہیں, پیٹرول لگتا ہے گاڑی میں, کارخانہ بند ہوتا ہے, یہ لاکھ کا نقصان کا سودا نہیں, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما رہا ہے. جب دنیا میں چن لیا, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسے عذاب قبر نہیں ہوگا. جب دنیا میں چن لیا, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا چلنا, اس کا پھرنا, کہاں فلاں بزرگ آئے ہیں حضرت تھانوی کے خلیفہ, فلاں بزرگ آئے ہیں حضرت ابرال حفظہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, فلاں جگہ جمعہ بیان ہوتا ہے, فلاں جگہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہوتا ہے, فلاں جگہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے, فلاں جگہ مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے. اس پر وقت نہیں لگانے کی کوشش کرو گے, اللہ نہار پیٹ پیشاب کی بوتل ہاتھ میں دے گا, جس کے چکر کاٹو. یہ لیب میں رزلٹ صحیح نہیں آیا, اور ایک لیب میں لے جاؤ. پیشاب میں نہیں آیا, پاخانہ اٹھا کر لے جاؤ. پیشاب پاخانہ ڈھونے کا کام کروائے گا اللہ. اگر اپنے دنیا کے وقت سے آخرت کے لیے وقت نہیں نکالو گے, اے میرے بندے میرے لیے تو فارغ کر دے, میں تیرے دنیا کو, میں تیرے دل کو مستغنی کر دوں گا, غنی کر دوں گا. اور اگر تو میرے لیے وقت کو فارغ نہیں کرتا, تو غموں کا پہاڑ اور غموں کی بیماری دل پر لگا دوں گا. اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. ارے صاحب وہاں فرسٹ فلور میں پانی لیک ہو رہا ہے, کرایہ دار شکایت کر رہا ہے, انشورنس کا مسئلہ ہے, ٹیکس کا مسئلہ ہے, قطاروں میں کھڑے گا پانی کی بل بننے کے لیے, لائٹ کی بل بننے کے لیے, ٹیلی فون بل بننے کے لیے, کھاتا بننے کے لیے, اور گندایا بننے کے لیے, پڑوس سے جھگڑا ہو گیا, تھانے دار کو جا کر رشوت دینے کے لیے اسٹیشن میں جا کر بیٹھا, پتا چلا کہ نہیں صاحب روڈ کو راؤنڈ کو گئے ہوئے ہیں, ارے 2:30 بجے آنے والے کیوں نہیں آئے, نہیں کمشنر آفس میں میٹنگ کو چلے گئے ہیں, ارے کمشنر آفس سے کیوں نہیں آئے, نہیں ان کی بیوی بیمار ہوئی وہاں چلے, 12:12 بجے تک اپنے استنجا اور پیخانے کو روک کر کافروں چماروں کے تھانے کے اندر اللہ رکھے گا, اور اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے اللہ کہ آؤ, میں فرشتوں کو جنت کے کھڑا کر تمہارا استقبال کرواؤں گا. تیری ساز بھی تیرا استقبال نہیں کرتی ہوگی, تیرا جمی اور تیرا داماد بھی تجھے ویلکم نہیں کرتا ہوگا, کتنے دن تیری خوش آمدی کرتا ہے. جب تک بیوی دلہن کی روپ میں رہے, اس کے بعد سسرا بڈا نظر آتا ہے, ساس بڈھی نظر آتی ہے, یہی جملے داماد استعمال کرتا ہے. اللہ مرتے دم تک جمعہ کے گیٹ کے, جمعہ کے دن مسجد کے گیٹ میں فرشتوں کو کھڑا کر دفتر دیتے ہیں, خان صاحب کا نام لکھو, بیگ صاحب کا نام رکھو, سید صاحب کا نام لکھو, ان کو اونٹ کا ثواب دو, ان کو گائے کا ثواب دو, ان کو بکرے کا ثواب دو, ان کو مرغی کا ثواب دو, ان کو انڈے کا ثواب دو, اور اللہ کے پاس تذکرہ عرش الہی پر, اے اللہ اتنے اتنے دور سے نیکی کے نام پر جنت اور دوزخ کے نام پر یہ جڑے ہوئے تھے. یہ جڑنا نہیں ہوگا, خانوں کے چکر لگانے پڑیں گے, لائروں کے چکر لگانے پڑیں گے. یہاں تلک نگر کے اندر ایک چائلڈ اسپیشلٹیز, مزدورات کے بیان سے واپس آتا ہوں میں, اتنی ساری مزدورات اپنے بچوں کو لیے ہوئے, اور مرد اب
अपने बच्चों को लिए हुए और औरत कार में बैठकर जो है एसी में मजा ले रही है। मैंने टाइम जो देखा तो रात के 7 बजे डॉक्टर आने वाला और असर की अजान के वक्त मेरा गुजर होता है। मैंने कहा कि लो भाई देखो, फजर की नमाज के बाद पार्कों में जाएं आप, जो तहज्जुद को नहीं उठता, जो फजर को नहीं उठता, जो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह ने कहा दे काफिरों चमारों के साथ तू दौड़ लगा, तू मेरी नमाज पढ़ लेता मैं तुझे सेहत दे देता, तू मिसवाक कर लेता, तू वजू कर लेता, तू गुस्ल जनाबत कर लेता, तू मेरे महबूब के तरीके पर अमल कर लेता, तो तुझे हार्ट स्पेशलिटीज के पास, आई स्पेशलिटीज के पास, स्किन स्पेशलिटीज के पास, कहा यही ना, ये जो फाइल रखी हुई है डॉक्टर की फाइल, ये फाइल रखी हुई है लायर की फाइल, ये फाइल रखी हुई है आमदनी की फाइल, ये फाइल रखी हुई है ये टोल का, कल वो वक्त आएगा इंसान पेशाब तोल तोल कर करेगा, पाखाना जो है नाप कर करेगा, अल्लाह का अजाब मुसल्लत होगा। और अल्लाह तबारक ताला अपने महबूबों को, अपने बंदों को वो सहूलत दे रखी है, ये नहीं कि नमाज पढ़ो तो दीन, तुम खाओ तो दीन, तुम चलो तो दीन, तुम इस्तंजा करो तो दीन, तुम बैतुल खला में दाखिल हो तो दीन, तुम अपनी आदतों को इबादत बना लो। और उसके लिए अल्लाह ताला ने नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को नमूना बनाया। लोग उलमा के पास ये पूछने तो आते हैं, मौलाना साहब नमाज के अंदर ये हुआ क्या करना चाहिए, रोजे के अंदर ये हुआ क्या करना चाहिए, मैंने कसम खा लिया क्या करना चाहिए, तिलावत के अंदर हाथ से कलाम पाक छूट कर गिर गया क्या करना चाहिए। मां के पेट से लेकर कब्र के गढ़े तक हमारा सोना, हमारा कंघा करना, हमारा बाल रखना, हमारा कपड़ा पहनना, हमारा चप्पल पहनना, अल्लाह तबारक ताला ने अपने औलिया, अपने सुलहा, अपने अतिया, अपने नेक बंदों के लिए न सिर्फ नमाज को इबादत बनाया, खाने को भी इबादत बनाया, सोने को भी इबादत बनाया, चलने को भी इबादत बनाया, कारोबार को भी इबादत बनाया, निकाह को भी इबादत बनाया, तलाक को भी इबादत बनाया, दोस्ती को भी इबादत बनाया, दुश्मनी को भी इबादत बनाया, सिर्फ ये कि इस जिंदगी को, इस ढांचे को मनहज रसूल नबी के ढांचे में और नबी के उसमें में और नबी के नमूने के सांचे में इसको ढाल लो। सोता तो काफिर भी है, सोता मुसलमान भी है, खाता काफिर भी है और खाता मुसलमान भी है, लेकिन काफिर दुनिया के लिए खाता है और मुसलमान ये सोचकर मेरे महबूब का खाने में ये तरीका था तो ये सोचकर खाएगा, वो खाना उसके लिए इबादत हो जाएगा। मेरे महबूब ऐसे सोते थे, ये सोचकर सोएगा उसका सोना उसके लिए इबादत बन जाएगा। बस सिर्फ अपने दिल की खिड़की को मक्के मुकर्रमा और मदीने तैयबा की तरफ करने की जरूरत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के, आखिरत के, मर्द के, औरत के, बड़ों के, छोटे के, किसी मसले के अंदर हमें अंधेरे में नहीं रखा। अजीब बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी से कैसे मिलते थे उसका हदीसों में जिक्र है। इंसान के 3 किस्म के बाल हैं। हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, एक सहाबी रात के सन्नाटे में जब लोग सो चुके थे मेरे पास आए, दरवाजा खटखटाया, अनस अनस उठो, अल्लाह खैर करे किसी का जनाजा निकल गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी की मौता हो गई, क्या बात, नहीं अनस अल्लाह की कसम मुझे मेरे घर से मैं इसलिए नहीं निकाला गया कि दुनिया का कोई मसला हो, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं और बहुत अरसे दराज से खिदमत मुबारका में लगे हैं, अनस मैं जब सुरमे की सलाई उठाया और आंग पर लेकर गया तो मुझे ये मसले के अंदर तशवीश हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरमा कैसे लगाया था, ये मालूम करने के लिए आया हूं। 3 मरतबा सलाई लगाई, तीनों एक आंख में लगा ली, या लेफ्ट आंख में 2 मरतबा लगाई, या सीधी वाली आंख में 2 मरतबा लगाई, क्या तरीका था,
یہ صحابہ اکرام کے اندر طلب تھی, یہ صحابہ اکرام کے اندر تڑپ تھی. اپنی زندگی ہم نماز کو حدیثوں کے قریب اور نبی کی نماز کے قریب لے جانا چاہتے ہیں, لیکن اپنے کھانے کو, اپنے بیت الخلاء کے سسٹم کو, اپنے کپڑا پہننے کے سسٹم میں ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں. ذری ذری چیزوں کے بارے میں, جو چیز خفیہ اور پردے کی ہے, مرد کی مونچھیں ہوتی ہیں, حدیث کے اندر اس کے احکامات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو بڑھایا اور مونچھوں کو منڈایا, لیکن حدیث سے پتا چلتا ہے کہ کبھی اس طرح کا استعمال نہیں کیا. اب اگر کوئی قینچی کا استعمال کرتا ہے, اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے مونچھوں کو اتنا کم کیا کہ آپ کے مبارک ہونٹوں کی سفیدی اور بیاض اور حسن ظاہر ہونے لگا, لیکن اس طرح کا استعمال نہیں کیا, تو مونچھ کو مڈھانے کے لیے اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے, قینچی بھی. لیکن قینچی یہ سوچ کر کرے کہ میرے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, تو اس کا مونچھ مڈھانا بھی عبادت ہو جائے گا. تین قسم کے بال ہیں, ایک مونچھ ہے جس کو مونٹتا ہے, ایک بغل کے بال ہے, ایک زیر ناف کے بال ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو اتنے حیا ہیں اور اتنے صاف ہیں, اتنے شفاف ہیں. یہ چیز پردے کی چیز ہے, بغل کے بال نکالنا, زیر ناف کے بال نکالنا, لیکن فقہا نے, محدثین کرام نے اس کو بھی نہیں چھوڑا اور اس کو بھی بیان کیا. اس کو کہا کہ قینچی کا استعمال کرو. بغل کے بال کے بارے میں کہا نت کا لفظ استعمال آتا ہے, نون تا فا, اس کے لیے نہ قینچی نہ اس طرح, آدمی اس کو اپنے انگلیوں سے نکالے. اور جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر بغل کے بالوں کو نہ اس طرح کا استعمال کرے نہ قینچی کا, پانی نہانے کے بعد, پانی میں بھیگنے کے بعد نرم ہو جاتے ہیں, شروع میں کسی بھی معاملے کے اندر کسی عادت کو اپنانا ہے تو قربانی دینی ہی پڑتی ہے. تہجد کا مزاج گھر میں بنانا ہے, شروع میں تھوڑی پریشانی ہوگی, منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ کچھ مہینے گزرنے نہیں پائیں گے کہ آپ سمندری جہاز میں ہو, آپ ہوائی جہاز میں ہو, یہ تہجد کی عادت آپ کو وہاں بھی بے قرار کرے گی. کچھ دنوں کے لیے اپنے نفس کو قابو میں کر لو, اس نفس کو دبا کر رکھو, جوتے مار کر رکھو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, جس نے اپنے رب سے ڈرا اور اپنے نفس کو قابو میں کیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, خواہش وہاں پوری ہوتی ہے. یہاں کس کی ہوتی ہے؟ امیر کی خواہش, یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے, جورو مرض میں حسد, جورو مرض میں جلن, جورو کے دوسروں سے تعلقات, مرض رات کے یہ تم کو معلوم ہے, تم کو معلوم ہے کہ بیٹی کا چکر چل رہا ہے, ماں باپ خون کے آنسو رو رہے, تم کو معلوم ہے کہ بیٹا کافرہ عورت سے تعلقات رکھ کر ماں باپ کی ناک کٹ, دھوکا ہے, دھوکے کی دنیا ہے. آج تک اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا اور قیامت تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کیا, نوح سے وفا نہیں کیا, حضرت عیسیٰ سے وفا. میں اور آپ کس کھیت کے مولی جو یہ دنیا ہمیں ساتھ دے گی کہ اس دلیل اور ملعون دنیا کے لیے ہم نماز چھوڑے, داڑھی مڈائے, نبی کی سنتوں کو چھوڑے؟ کچھ تو ساتھ دے بھائی, کچھ تو وفاداری کرے. جاؤ یہ قبرستان ہے, یہاں کھڑے ہو کر پوچھو کتنے کتنے وہ لوگ جن کے آگے پیچھے دائیں بائیں زندہ باد مردہ باد, سیٹ صاحب زندہ مرے پڑے ہیں, کون آج ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا, یہ ہے قبرستان. کس نے وفا کیا ہے جو ہمارے ساتھ وفا کرے گی؟ اسی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ڈھانچے میں اس میں ڈھال لیں تو یہ زندگی ہی عبادت ہے, یہ جوتا پہننا عبادت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز خفیہ نہیں رکھی کچھ دنوں تک عادت کے کرنے میں. بچہ پیدا ہوا,
उसको दूध पिलाते रहे, कुछ आगे बढ़े सेरेलैक्स खिलाते रहे, कुछ आगे बढ़े खाने को चूर कर खिलाते रहे। स्कूल का जमाना आया, पहलम बच्चा 7:30 बजे, जो औरत 10-10 बजे तक सोती थी, 11-11 बजे तक जो मर्द और औरत सोया करते थे, अब स्कूल बेबी सिटिंग में दाखिल किया तो 7 बजे ब्याह लाकर हर मन उठते नहीं उठते। और चंद दिनों के बाद, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, खुद ब खुद आदत, सैटरडे को हफ्ते को छुट्टी, संडे को छुट्टी, लेकिन कुदरती तौर पर नींद उशार हो रही है। इस नफ्स के कुत्ते को अपने कंट्रोल में करो, तहज्जुद की आदत डालो, रोने की आदत डालो, इस दुनिया को, इस जिस्म को थका लो ताकि ये जिस्म फ्रेश हो जाए कब्र में जाने के बाद। जन्नत में जाने के बाद मजे करो, यहां किसी को मजा नहीं, सिकंदर ने मजा नहीं लिया, जुल्करनैन ने मजा नहीं लिया, दुनिया पर हुकूमतें करने वालों को इस दुनिया की लज्जत नहीं मिली, तड़पते रहे तड़पते रहे, अरे क्या मजा मिलेगा। इस नफ्स को कंट्रोल में करो, मानता नहीं और मान लेता है तो खुद जगाता है तहज्जुद के लिए। उठो, कितना नूरानी माहौल होता है, सुबह सवेरे बीवी जग रही है, बच्चे जग रहे हैं, तिलावत हो रही है, दुआएं हो रही हैं, घर मुअत्तर है, अल्लाह की रहमतें उस घर पर आएंगी, आने वाला अजाब टल जाएगा। कुछ दिन अपने इस नफ्स को काबू में करो, माहौल बनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज बताई। अब ये बगल के बाल हैं, इसको ना उस तरह का इस्तेमाल किया, ना कैंची का इस्तेमाल किया, शुरू में तकलीफ होगी, और उसमें मेडिकल साइंस ने कहा ये आजकल क्रीम, लोशन, कॉस्मेटिक, ये बगल की बदबू से बचाता है, ये जरूरत नहीं। आप सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें, बाल हाथ पकड़कर निकालने से बाल देर में भी आते हैं, और पूरा पहाड़ हिमालय खोद डालें, मेहनत मजदूरी करें, आपके जिस्म में बदबू नहीं आ सकती। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का सत्कार, जेरे नाम बाल आपने उस तरह का इस्तेमाल किया, एक एक चीज, हालांकि ये पर्दे की चीज है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम पूछा करते थे, क्या तरीका था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई मन हमाम के अंदर ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे तो किसकी हिम्मत थी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ना रात के अमल को पेश किया करते थे, और सवालात सहाबा दिन के अमल को पेश किया करते थे, इनको पूछा करते थे सहाबा इकराम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। मैं इससे ये बताना चाहता हूं कि आप तो कई लोग वो होंगे कि ये सोच रहे होंगे कि मिंबर रसूल पर बैठकर ये कौन कौन बालों का जिक्र, लेकिन सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को भी कौम के सामने और कियामत तक की आने वाली नस्ल इंसानी मुसलमानों के सामने पेश किया कि मूंछ के लिए उस तरह का इस्तेमाल नहीं, और बगल के लिए उस तरह कैंची का इस्तेमाल नहीं, और जेरे नाप के लिए जो है कैंची का और निस्फ का इस्तेमाल नहीं, बल्कि उस तरह का इस्तेमाल आपने किया। मेडिकल साइंस कहती है इंसान की कुव्वत मर्दानगी के अंदर इजाफा होता है, 40 दिन से ऊपर अगर वो इन बालों को रखता है तो इंसान की तबीयत के अंदर कुव्वत मर्दानगी के अंदर फर्क आता है, हर जुमा भी करता है, बाल काटने की वजह से, उस तरह रगों पर फिरने की वजह से, ये जो व्याग्रा टैबलेट है, ये दूसरी गोलियां हैं, वो ऐसा नहीं है कि उसकी कुव्वत बाह में इजाफा करते हैं, उसके ब्लड सर्कुलेशन को, खून के दौरान को बढ़ाते हैं, और खून का दौरान बढ़ता है तो इंसान की कुव्वत बाह भी बढ़ती है। और मेडिकल साइंस ने कहा कि जेरे नाप उस तरह के इस्तेमाल से कुव्वत बाह इसलिए बढ़ती है कि ब्लड टक्कर जब आगे पीछे होता है तो ब्लड सर्कुलेशन रेज होता है और उसका बढ़ता है। एक एक चीज सुन्नतों से साबित है, और सारी दुनिया सोती है, जानवर सोता है, इंसान सोता है। हदीस पाक में आता है आप मुझसे वादा करो, अमल करेंगे इंशाल्लाह, ऐसी चीज अल्लाह अकबर, सो और इबादत, सो अल्लाह की तरफ से मगफिरत का परवाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोता तो सभी है, सिर्फ वजू कर जो सोता है। मेरा वजू कब तक रहेगा जो मैंने किया, अब जुमा में आपका वजू कब तक रहेगा,
बाहर जाने तक रहेगा, वो इस्तंजा लगा, वो शुगर का पेशेंट है, वो बीपी का पेशेंट है, उसे गैस्ट्रिक है, जाते ही उसने जो है गोला दागा, उसकी जो है हवा निकली, असर तक बहुत मुश्किल से। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वजू वो भी है जो कियामत तक चलता है, और कियामत में अगर हम और आप उठेंगे, अगर वजू कर कर सोते हैं, तो कियामत में भी बावजूद और तहारत के साथ उठेंगे। वो 1,00,000 साल के बाद कियामत आए, वो 50,00,000 साल के कियामत का पता नहीं ना कि 2 साल के बाद भी आ सकती है, 10 साल के बाद भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो वजू कर कर सोता है तो कियामत के दिन वो वजू के साथ उठेगा, चाहे 1,00,000 साल के बाद कियामत आए। आप कहेंगे इसके बाद तो उसने इस्तंजा किया, उसने बैतुल खला किया, और इंसान के सोने से वजू टूट जाता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये टूट जाता है किसका हुक्म? अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ने कहा कि सोने से वजू टूट जाता है, वही अल्लाह कह रहा है मेरी रजा के खातिर वजू कर कर सोओगे, ये वजू कियामत तक के लिए चलेगा। कियामत में उठोगे बावजू उठोगे। हदीस पाक में आता है, बंदा करवट बाद में लेता है, जो वजू कर कर सोता है, वादा करो मैं चंदा नहीं मांग रहा हूं, वजू मांग रहा हूं। खुदा ना करे, खुदा ना करे ऐसी जगह हो, बस में जा रहे हो, वजू का पानी नहीं है, सीट पर तयम्मुम कर लो और वहीं सो जाओ, बस में लेट जाओ, पानी ना मिले तयम्मुम कर लो। बंदा करवट बाद में लेता है, मेरी इज्जत की कसम, मेरी जलालत की कसम, करवट लेने से पहले मैं उसकी मगफिरत का परवाना उसको दे देता हूं। आप और हमारी करवट पर मगफिरत का वादा, हमारी सांसों पर रहमत का वादा। और हदीस पाक में आता है, खुदा ना करे अगर इस रात के अंदर उसका इंतकाल हो जाए, अल्लाह ताला को राजी कर कर वो जाता है। सोते सभी नहीं है, लाइट रात को बंद करते नहीं करते, बेड लाइट जलाते नहीं जलाते, सिर्फ ये नियत कर ली। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जलने वाली चीजों को जलाकर तुम सोया मत करो, शराब को बुझाकर सोया करो। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में उस जमाने में चराग था, चराग को बुझाने का हुक्म दिया। हम ये कहते हैं तारीकी में नींद अच्छी आती है, लाइट बंद कर कर नींद अच्छी आती है, लाइट जलाने से बिजली का बिल आता है, इसे छोड़कर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चराग को भूल कर कर सोया करो। मैं इस सुन्नत पर अमल कर रहा हूं तो बिजली के बुझाने का, लाइट के बंद करने का अजर भी अल्लाह के यहां मिल जाएगा। सोता है आदमी तकिया लेता है, तकिए के बगैर कोई सोता है, तकिया लेता है, तकिए में नबी की सुन्नत मालूम कर ली, नबी का तरीका मालूम कर लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया कैसे लिया करते थे। अमूमन आप अपना सीधा जो पंजा है अपने रुखसार और अपने कदे पर रखकर सोया करते थे, कुछ देर के लिए मेरे महबूब की अदा, मेरे आका की अदा, मेरे नबी की अदा। सिद्दीक तूने नबी को देखा होगा, उमर तूने नबी को देखा होगा, फारूक तूने नबी को देखा होगा, नबी को देखा तो नहीं, नबी के अमल को तो अपना रहा। उलमा ने कहा कम से कम इतना फायदा जरूर होगा, कम से कम इतना फायदा जरूर होगा कि कियामत के दिन नबी की अदाओं की नकल करने वालों के साथ हमारा शुमार होगा। वो कौन थे? वो सलमान खान था, शाहरुख खान था, वो सिद्दीक फारूक थे। हमारा अमल इस लायक नहीं कि सिद्दीक फारूक के साथ हमारा हशर हो सके। सिर्फ सोना है नबी की अदा की नकल करते हुए, हमने अपने रुखसार को अपने कल्ले के साथ ये सीधा हाथ रख लिया, और कुछ देर के लिए रसूलुल्लाह का सल्लम पर दरूद पढ़ते रहे, सल्लल्लाहु अलैहि का या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार और मोहब्बत से कहते रहे, फिदा का भी व उम्मी या रसूलल्लाह, फिदा का भी व उम्मी या रसूलल्लाह, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी जान आप पर कुर्बान। तसव्वुर कर कर सो, कैसे आंखें नहीं आएंगे ख्वाब में, माता नहीं आपने खो आहा। हरामजादे आते हैं, सियासतदान आते हैं, एमएलए आते हैं, एमपी आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, मरी हुई माँ, जला हुआ बाप आता है, खुदकशी किए हुए लोग आते हैं, आखा नाराज है आप,
आका नाराज है, आका नाराजगी छोड़ दीजिए। आका हमने आपके दिल को दुखाया है, आपके दिल को ठेस पहुंचाई है, माफी मांगते। हो सकता है हमारी जिंदगी की आखिरी रात तशरीफ तो लाई है हमारे घर में, क्यों नहीं आए क्या, क्यों नहीं ज़ियारत होगी। जानवरों की तरह, कुत्ते सुअरों की तरह ड्रामा देखकर, नाच गाना देखकर, सास बहू के सीरियल देखकर सोएंगे। अल्लाह की रहमतें आएंगे, आसाइश के घर में आएंगे। करवट पर मगफिरत का वादा, लाखों साल तक चलने वाला वजू, और ये वो वजू जो सहाबा इकराम के साथ हमें खड़ा करेगा। हदीस पाक में आता है, रात को सोते हैं, दरवाजे खुला रखकर सोते हैं, बंद कर सोते हैं, बंद कर सोते हैं। अल्लाह के हबीब पाक सल्लम के जमाने के अंदर 28 बाथरूम नहीं था, इस्तंजा के लिए बाहर जाया करते थे। इस्तंजा के लिए बाहर गए तो आपने यही सोचा, भाई चंद कदम है, जंगल में जाना है, फरागत पानी है, इस्तंजा करना है और लौट कर आना है, अभी आ जाएंगे। तो दरवाजे को कुंडी नहीं लगाई, लॉक नहीं किया, अगल नहीं लगाया, चटक नहीं लगाई। जब आए इस्तंजा से, मुबारका से वजू कर देखा शैतान घर के अंदर खड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगो तुम अपने घरों के अंदर सोया करो, बाहर जाया करो और बाहर से अंदर आया करो, तो जो मेन दरवाजा है उसके लॉक किया करो और आयतल कुर्सी पढ़ा करो, जमीन आसमान की कोई बला उस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। दरवाजा तो बंद करना है, लेकिन ये सोच करके मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लॉक करते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और इसको ना पढ़ेंगे शैतान घर के अंदर आ जाएगा। काफिर भी दरवाजा खोलकर वेलकम का बोर्ड लगाकर नहीं सोता, बंद कर सोता है। हम ये सिर्फ अपने इरादे को, अपनी जिंदगी के सांचे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढाल लें। सुरमा लगाना है, मेरे आका का तरीका क्या था। इत्र लगाना है, मेरे आका का तरीका क्या था। बैतुल खला में जाते थे, दामा पैर, लिफ्ट पैर पहले रखते थे, ये सोच करके मेरे आका रखा करते थे। बैतुल खला का जाना भी इबादत हो जाएगा। बैतुल खला से आए बाहर, सीधा पांव पहले रखा, इसलिए कि मेरे आका की तालीम है। दोनों तरीके से कूद कर भी आ जाते, लिफ्ट पैर भी बाहर रखते। आना तो कैसे भी है, लेकिन ये सोच करके मेरे महबूब की अदा है, मैं इसे नहीं छोड़ता। बड़ी मन्नतों के बाद, बड़ी मुरादों के बाद किसी को लड़का या लड़की पैदा हुई और उसको पाला, परवरिश किया। अब जब बोलने लगी बच्ची, अब्बू जान, अम्मी जान, इंतकाल हो गया, बड़ा सदमा दिल पर बैठ जाता है, नकश बैठ जाता है। मौत है, क्या कर सकता है इंसान। कोई ऐसा इंजेक्शन आज तक नहीं आया, आम के बदले आंग डाली गई, गुर्दे के बदले गुर्दा डाला गया, दिल के बदले दिल डाला गया, रगों के बदले रग डाला गया, घुटने की हड्डी के बदले घुटने की हड्डी डाली गई। रूह के बारे में पूरी दुनिया आकर हार गई और मेरे अल्लाह के कलाम की सदाकत दुनिया के सामने आ गई। ये सलून का अली रूह, ये रूह के बारे में सवाल करते हैं, है हिम्मत। मरे हुए इंसान की कन्यादान की आंख डाल दी तुमने, उसका गुर्दा डाल दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया, आर्टिफिशियल पैर बना दिया, मर रहा है सिकंदर और कह रहा है अपने इलाके में जाकर मरूंगा। दुनिया की ताकत बेबस है कि उसको कुछ लम्हे दे सके। एक मिनट वो नहीं जानते, आंख को जानते हैं, दिल को जानते हैं, दिमाग को जानते हैं, गुर्दे के फंक्शन को, किडनी के फंक्शन को जानते हैं, घुटने को जानते हैं, हाथ सब बना दिया, रोबोट बना दिया। लेकिन वो रोबोट चलने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया। ये सलूना का अनिर रूह, ये रूह के बारे में सवाल करते हैं, अरे यहां आकर तुम घुटने टेक दोगे, यहां आकर मेरी कुदरत को मान लोगे। बोली रूह मिन अम्री रब्बी, ये रूह है जो तुम्हें दिखती भी नहीं और है भी है, और वो अल्लाह का हुक्म है। मैं कहूं जिंदा, वो जिंदा है, मैं कहूं मर जा, तो वो मर जा है। वो जिंदा क्यों है तुम नहीं कह सकते, वो मुर्दा क्यों है तुम नहीं कह सकते। तुम दिल को हरकत मशीन से दे सकते हो, जिस्म का ब्लड सर्कुलेशन तुम मशीन से दौड़ा सकते हो,
मरने के बाद जिस्म ठंडा होता है, गर्मी का टेंपरेचर दे सकते हो, इस गर्मी के जिस्म का नाम जिंदगी नहीं, दिल की धड़कन का नाम जिंदगी नहीं, खून के दौड़ने का नाम जिंदगी नहीं। ये सलूना का अनिर रूह, ये रूह के बारे में सवाल करते हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, कुलिर रूह मिन अम्री रब्बी, ये रूह मेरे रब का हुक्म है। यहां ताकत दौड़ो, यहां साइंस का इस्तेमाल करो, यहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, सब करते हैं ये सोचकर कि मेरे महबूब सल्लम चटक नहीं लगाते थे, अगल लगाते थे, लॉक करते थे, बिस्मिल्लाह पढ़कर, आयतल कुर्सी पढ़कर जिस रात पढ़ा हो उस रात चोर आ जाए मेरा दामन पकड़ लेना। पढ़ने में गलती हो सकती है, ईमान में गलती हो सकती है, अकीदे में गलती हो सकती है, हदीस में तुमने डाउट किया होगा, मेरे महबूब की बात झूठी नहीं हो सकती। लगा कर तो देखो, सीसीटीवी की जरूरत नहीं, वेब कैमरे की जरूरत नहीं, नाइट वॉचमैन की जरूरत नहीं। मेरे आका ने कहा आयतल कुर्सी बिस्मिल्लाह पढ़ो, जमीन और आसमान की बलाएं अल्लाह की कसम उस घर में दाखिल नहीं हो सकती। हुई तुमने सही नहीं पढ़ा, हुई तुमने अल्लाह पर भरोसा नहीं किया। हमने अरसे गुलाब का इलाज बताया, अल्हम्दुलिल्लाह यहां हाजी साहब आए हैं, कितने लोग हैं कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शिफा याबी हो गए। वही सूरह फातिहा सहाबा पढ़ते थे, शाम का जहर खत्म होता था, वही सूरह फातिहा बैठे हुए मच्छर को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और जोर से काट रहा, फातिहा वही, अल्फाज वही, जबर गैर वही। ईमान बना हुआ था, ईमान खोखला है। रेल वर्षन में हम काम करते हैं, पढ़कर देखेंगे होता क्या है। सेल्फ लगाकर कभी देखा इंजन में आवाज भी आ रही है, बटन डालकर देखा कि पंखा घूम भी रहा है। आंखें बंद कर यकीन करो कि आसमान पैरों तले आ सकता है, जमीन ऊपर जा सकती है, मेरे महबूब का कौल झूठा नहीं हो सकता। और नगद फायदा भाई, नगद फायदा है। हदीस पाक में आता है, रात में बर्तन धुले, होम मिनिस्टर मेम साहेबा यजमानी पूरी जिंदगी इसके लिए हमारी बर्बाद हो रही है साहब, इसको खुश करने के लिए, इसको राजी रखने के लिए हम दुकान में जो वक्त लगाते हैं इसमें का पौ वक्त अल्लाह के दीन के लिए लगाएं तो वक्त के गौसे पाक नहीं हो जाते, वक्त के कुतुब नहीं हो जाते। दुकान में कितना टाइम लग रहा है, सफर में कितना टाइम लग रहा है, ये जो सिग्नल में लाल बत्ती पर खड़ी हुई गाड़ियां क्यों खड़ी हैं, कहां जा रही है, ये इंश्योरेंस ऑफिस, बीमा ऑफिस, टैक्स ऑफिस, खाता ऑफिस, कंदाय ऑफिस, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यही ना, यही ना। ये जो मेम साहब आए, अब घर की नौकरानी ने रात को हाथ दे दिया, धोखा दे दिया, अब बर्तन वो तो मांगेगी नहीं, रहेगी कल इससे धुलवाएंगे। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर के अंदर रात में झूठे बर्तन होंगे वो अल्लाह ताला से बददुआ करेंगे, अल्लाह रिस्क की बरकतें इस घर से खत्म फरमा दे। जब पता है कि ये आने वाली नहीं, मुख्तसर बर्तन इस्तेमाल करो, यूज एंड थ्रो इस्तेमाल करो, लेकिन घर के अंदर बर्तन है और बेगम साहिबा, मेम साहिबा, होम मिनिस्टर बीमार है, एलर्जी है, पानी को हाथ नहीं लगा सकती, या ये कि झगड़ा करने पर आ रही है, अगर उसको ये हदीस पाक सुनाई जा रही है, हदीस पाक के अंदर बताया गया इतना करो कि बर्तनों में पानी रखकर उल्टा कर दो, कम से कम वो बर्तन बद्दुआ नहीं देंगे। नबी ने कहा है ना सर, ये बुश ने नहीं कहा, टोनी बिल्लर ने नहीं कहा, अमिताभ बच्चन ने नहीं कहा, नबी की बात झूठी है। मानो ये घर के अंदर बेबरकती, घर के अंदर नहुसत, रात में सुबह में आप दाखिल होइए तहज्जुद के वक्त मिसवाक ढूंढने के लिए तो सड़ी हुई खानों की बदबू, और जहां सड़ान होती है वहां खुदा की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मस्जिद के अंदर कच्ची प्याज कच्चा लहसुन खाकर आने से रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो जिस घर के अंदर सड़े हुए बर्तन, बासी खाने की, बासी सालन की बात हो और बर्तन बिखरे हुए हो, हदीस में आता है वो बर्तन बददुआ देते हैं। पहली कोशिश खुद अगर कुछ कर धुल धुलाकर मामला साफ करना तो करो, नहीं कर सकते तो कम से कम बर्तनों में पानी डालकर उल्टा कर रखने का हुक्म दिया गया।
नाखून काटते हैं, सब काट, एक तरीका ये कहां मिले वहां से काटना शुरू कर दिया, और एक तरीका ये मैंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए जेरे नाप का तस्किरा अम्मी जान आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा सही हदीसों में बयान करती हैं। ये तो पर्दे की चीज है, ये तो दिखने वाली चीज है, तो इसके बारे में हदीस नहीं है। और हदीस पर अमल करेंगे मोमिन के लिए नगद सवाब, मर रहे ना कमाने के वास्ते, आओ मैं कमाने का नुस्खा बताता हूं, आओ मैं तुम्हें इनकम का वो जरिया कि हदीसे पाक में आता है कि जबरी तौर पर यानी ना चाहते हुए माल टूट टूट कर पड़ेगा। और उसकी मिसाल भी ठंड का जमाना, खिड़कियों को बंद कर दिया, दरवाजों को बंद कर दिया, लेकिन फिर भी उसके जो बीच में सहान है, सुराख है, वहां से हवा आ रही है, तो वहां भी पेपर लगाया जा रहा है, टेप लगाया जा रहा है, तो ना चाहते हुए हवा आती है। हदीस पाक के अंदर कहा गया क्यों मरते हो भाई, यहां आओगे जुमा में तो हम ना बताएंगे, यहां आओगे हम ना बताएंगे दुनिया के अमन के नुस्खे, हम ना बताएंगे दुनिया के सुकून के नुस्खे, हम ना बताएंगे दुनिया और आखिरत में कामयाबी के। तुम ना बीमा कंपनी वाला नहीं बता सकता, बीमा कंपनी वाला ये बताएगा कि तेरे मरने के बाद तेरी जोरू को क्या फायदा। तो जोरू यूं कहेगी जब वो माल की हिर्स और हवस में अपने आशिक और अपने बॉयफ्रेंड से ताल्लुकात कायम करेगी, अल्लाह इसे मौत दे दे ताकि इसके बीमा इंश्योरेंस का पैसा मुझे आ जाए। जिंदगी में किसी को किसी तक नफा पहुंचाना है तो एक की मौत और लाशे से गुजरने के बाद दूसरे को, इसीलिए कई बीवियां आशिक के साथ मिलकर खाविन को मारते हैं, कई खाविन दौलत के खातिर बीवियों को मारते हैं, कई औलाद मां बाप, देखो क्राइम स्टोरी, देखो जराइम की दुनिया, देखो आलमी हालत, जो मां जो बाप जन्नत का दरवाजा कदमों तले, जिसके जन्नत और जिसके देखने पर 70-70 हज मबरूर का सवाब, क्या उसका गला भी घोटा जा रहा है? हाँ हम बताते हैं, कहां भाग रहे हो कारखाने के पीछे, आराम से फजर के बाद कारखाना इशराक पढ़कर खोलो, सूरह यासीन पढ़ो, सूरह वाकिया पढ़ो, दरूद पढ़ो, कुछ सदका करो, खैरात करो, जाओ फिर आराम करो, आओ 11 बजे 12 बजे दुकान राजिक नहीं राजी अल्लाह है, बहुत आराम के साथ बीवी से भी लुत्फंदोज हो, उससे मजा लो। अब दुनिया मता व खैरु मता इस दुनिया अलमरतु सालिहा, पूरी दुनिया ये फूल ये गुलाब ये चमेली ये मोगरा ये फल ये फ्रूट ये आम ये अमरूद ये अंगूर ये सब हमारे मजे के लिए हैं। अल्लाह ने इनमें सबसे बड़ा मजा जिस मजे ने जन्नत के मजे को भी पीछा छोड़ दिया। हजरत आदम को जन्नत में तबीयत नहीं लगती थी, पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया, अब मजा आ गया, उससे मजा लो साहब, इबादत है। हम बिस्तरी करना, तुमको कोई मौलवी नहीं कहेगा, हम बिस्तरी करना इबादत, बोसा देना इबादत, निवाला बनाकर खिलाना इबादत, लिपटना इबादत, मजा लो, इसलिए कि मैं मेरे बाप का फतवा रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया मता, पूरी दुनिया लुत्फंदोज होने की चीज है, जाओ साइट सीन देखो, फूल देखो, बाग देखो, गुल देखो, गुलिस्तान देखो, गुलबाम देखो, गुलशन देखो, बीवी का मजा नहीं आता। वखैरु मता इस दुनिया अलमरतु सालिहा, इन तमाम में एक नंबर का मजा देने वाली जो चीज है वो मरद सालिहा है, नेक औरत है, उसे नेक बनाओ, फिर देखो जन्नत के मजे दुनिया में मिलेंगे। लो मजा, लुत्फंदोज, उसकी कुर्बत हासिल करना, उसे मजा लेना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर जिक्र किया है, लेकिन आका के तरीके पर हो इसके मजे। आओ हम बताते हैं, हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात के दिन और जुमा के दिन सिर्फ 2 दिन अपने नाखूनों को तराशा करते थे, और हदीस पाक में बताया गया अगर माल और दौलत ऐसे चाहिए कि दरवाजे दरीचे बंद करने के बाद ना चाहते हुए भी हवा आ जाती है, बस 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 मुझे दौलत नहीं चाहिए, अब दौलत बस है, मैं अल्लाह को हिसाब देना है, इस दौलत में औलाद का जब बस करोगे तो भी आ जाएगी, ये हदीस पाक का वादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुमेरात के दिन अपने नाखूनों को
جمعہ کی تیاری کے خاطر سنت کے مطابق تراشتا ہے مال و دولت نہ چاہتے ہوئے ایسے آئے گی جیسے ہوا اور روشنی نہ چاہتے ہوئے آ جائے گی. ایک آدمی دن میں سوتا ہے اور اندھیرے میں سونے کی عادت, کھڑکی بند کیا, دروازہ بند کیا, پردہ لگایا, پھر ادھر سے روشنی, پھر ادھر سے روشنی. دولت کے دروازے بند کرنا چاہو گے, میرے محبوب کا نسخہ استعمال کرو کہ جمعرات کے دن ناخن سنت کے مطابق تراشو جمعہ کی تیاری کی نیت سے. فرمایا نہ چاہتے ہوئے سوراخوں سے دولت امنڈ کر آئے گی. ایمان بناؤ صاحب, بیمہ کے فارم پر ایمان ہے, بینک مینیجر کی زبان پر ایمان, سرکار مدینہ شافی محشر ساقی قصد کی بات پر ایمان نہیں. چلو بھر پانی نہیں موت میں ڈوب کر پڑو اگر ایمان نہیں. اور کسی کے پاس دولت ہے, روپیہ ہے, پیسہ ہے, مزے کی زندگی ہے, پریشانیاں ہیں, غموم ہیں, غموم ہیں, حسد کرنے والے, کینہ کرنے والے, دشمن کرنے والے, پیٹ پیچھے گانے والے, بانسری بجانے والے, میرے محبوب نے بتایا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے جو سنت کے مطابق ناخن کو کاٹے گا اللہ اگلی جمعہ تک زمین و آسمان کی بلاؤں پر پابندی لگا دیں گے. کہیں گے میری عزت و جلالت کی قسم جو اس بندے کو جا کر تو ٹچ کرے گا. آپ غم سے بچنا چاہتے ہیں, مال چاہتے ہیں, تو ایک کام کرے, غم سے بچنے کے لیے جمعرات کے دن ہاتھوں کے ناخن نکال لیں, دولت پانے کے لیے نکال لیں, اور غموں سے بچنے کے لیے جمعہ کے دن پیر کے, یا ایک مرتبہ جمعرات میں اور ایک مرتبہ جمعہ میں, تاکہ وہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے. اور نکالنے کا طریقہ الل ٹک, یہ ہاتھ وایا, یہ کاٹ دیا, یہ ہاتھ نہیں, یہ جو انگلی ہے یہ چھوٹی انگلی سے شہادت کی انگلی تک, پھر چھوٹی انگلی سے شہادت کی انگلی تک, پھر داوا انگوٹھا, پھر سیدھا انگوٹھا کاٹا اور باوضو کاٹو. لوگ بیوی سے ملے, جنابت کا غسل, اب آل ان ون وہی غسل میں کٹنگ بھی, شیونگ بھی, زیر ناپ بھی, اوپر بھی, نیچے بھی, ناخن بھی. حدیث میں آتا ہے یہ ناخن, یہ بال ناپاکی کی, بے وضو کی حالت میں اگر نکلے ہوں گے, قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے اللہ میں اس کے بارے میں کچھ گواہی نہیں دیتا, تو جانے یہ جانے. اور اگر ہم طہارت کی حالت, ناخن نکالنا ہو طہارت کی حالت میں نکالے, سر کے بال نکالنا ہو, کٹنگ لینا ہو, ہر چیز بھول کر بھی جنابت کی حالت میں نہیں. اور اگر ہو سکے حجام کو ایک 10 روپے ایکسٹرا دے کر یوں کہو کہ بھائی میرے جو بال کٹنگ کے نکلتے ہیں ان کو ایک پلاسٹک کور میں باندھ کر دے دے, پاک جگہ میں جا کر دفن کرو. ناخن کو مرد ہو عورت ہو پاک جگہ میں جا کر ڈالو. علماء نے لکھا ہے اور میڈیکل سائنس نے اس کی تصدیق کی ہے کہ انسان کے جسم سے ناخن اور بال نکلنے کے بعد بھی ان کا نیٹورک انسان سے رہتا ہے, تال میل رہتا ہے. اگر آپ نے ٹٹی میں ڈال دیا, گٹر میں ڈال دیا, موری میں ڈال دیا, تو انسان کو اس کی وجہ سے بیماری آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جادو کیا گیا, سورہ فلق, سورہ ناز, سورت نازل بھی جادو کو توڑنے کے لیے, لبید بن عاصم نے کیا تھا جادو, تو پیر کے پاس سرانے دو فرشتے کھڑے ہو گئے. اس کو کیا ہوا؟ اس نے کہا جادو ہوا. کہا کس نے کیا؟ اس نے کیا. کس میں کیا؟ کنگھے کے اندر جو کنگا کرتے ہیں تو اس میں جو بال آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پیدا ہوئے, ختنہ شدہ پیدا ہوئے, پیدا ہوئے عرب کی وادی خوشبو سے معطر ہو گئی, پیدا ہوئے. بی بی آمینہ مکے کی وادی میں جاتی تھی, لوگ پوچھتے تھے آمینہ یہ تو جدہ اور منا اور یہ مکے اور مدینے کے بازار میں تو خوشبو نہیں, تو کون سی خوشبو لگا کر آتی ہے؟ تو بی بی آمینہ نے کہا کہ میرے بدن سے محمد پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی ذات گرامی. اب وہ ناپاک رہیں گے, کندھا کیا, کنگھے کے بالوں کو لیا, اب بال جھڑتے ہیں, ان بالوں میں گھاٹیاں ڈال کر جادو کیا اور ایک باؤڑی میں نیچے رکھ کر اس پر پتھر دبا دیا. تو اب یہ بال جب نکلے, ان بالوں پر جادو کیا گیا, تو ان بالوں کے نیٹورک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر کا اثر ہوا, جادو کا اثر ہوا, اس پر سورہ فلق. تو یہ ہمارے جسم سے ناخن اور بال, عورتوں کے جو گندے کپڑے ہوتے ہیں ان کو پاک جگہ ڈالیے گا, یہ اس کا خون جو عورت کا ہوتا ہے
वो भी निकलने के बाद औरत के ताल्लुक में नेटवर्क में रहता है, बाकी की हालत में निकालिएगा। हदीस में आता है जो बाकी की हालत में निकालता है ये बाल ये नाखून कयामत के दिन उस बंदे के हक में गवाही देंगे, और जनाबत की हालत में कभी नहीं। और निकालने के बाद आप किसी पाक जगह पर उसमें कोई अच्छी चीज, मैं तो ये करता हूं कि कुलौंजी के दाने उसमें मिलाकर, इसलिए कि हदीस पाक में कहा गया कि कुलौंजी मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा देती है। अब मैं कहां प्रोग्राम में जाऊं डॉक्टरों के पीछे मरता पड़ो, तो मैं ये करता हूं कि नाखूनों के साथ कुलौंजी मिलाकर दफन कर देता हूं पुड़िया में मिलाकर दरख्त के पास, ताकि वो कुलौंजी का असर नाखूनों में हो और नाखून का असर हम पर हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला शिफा और अल्लाह ताला बड़ी छोटी बीमारियों से, मैं सब सुन्नत पर अमल कीजिएगा। ये छोटे मोटे तरीके हैं। इंसान खाने के लिए बैठा है, हदीस में आता है कि अगर इंसान बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता अल्लाह ताला उस खाने में शैतान को दाखिल कर देता है। सोने में वजू किए बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर गया, अब बुरे बुरे किस्म के ख्वाब और डरावनी सपने, और सपने और ख्वाब की वजह से इंसान बीमार हो, इंसान को डर होता है। एकदम दहशी चेहरा देखा, जानवर का चेहरा देखा, शैतान का चेहरा, इंसान परेशान होता नहीं होता। आप पक्के सच्चे मुसलमान, चार दिन की जिंदगी है, बहुत तेज रफ्तारी के साथ दुनिया में सबसे तेज रफ्तार कोई हवाई जहाज हो, दुनिया में तेज रफ्तार कोई रॉकेट हो, सूरज 186,000 मील किलोमीटर भी, मील जो होता है वो किलोमीटर से ज्यादा होता है, 2 किलोमीटर 2.25 किलोमीटर का एक मील होता है, 186,000 एक सेकंड के अंदर वो दौड़ता है। मैं मिंबरे रसूल पर बैठकर अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं हमारी जिंदगी उससे ज्यादा भाग रही है खबर की तरफ, उससे ज्यादा भाग। क्या कर लिया जिन लोगों ने नमाज को छोड़ा? अगर आज आपकी फजर छूटी है तो आपने कौन सा तीर मार लिया था, कौन सा इलेक्शन जीत लिया, कौन सा ताजमहल बीवी के याद में मना दिया, कौन सा लाल किला आपने बना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नमाज को छोड़कर, रोजे को छोड़कर, दीन को छोड़कर करना है आका के तरीके पर करो। सोता वो भी है कुत्ता गली का, सोते हम भी हैं, नबी को याद कर कर सो गए, सुन्नतों को याद कर कर सो गए, ये सोना हमारे लिए मगफिरत का सामान हो गया, ये खाना हमारे लिए इबादत बन गया, ये बीवी से मिलना अल सहाबा को जब कहा गया बीवी से मिलने पर सबके का सवाब है, तो सहाबा इकराम खामोश रहने वाले, क्या दुनिया का हर मेल फीमेल जोड़ा करता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये अपनी बीवी के पास ना जाकर हराम में जाता तो गुना नहीं होता। मेरा अल्लाह इतना रहीम है, रहमान है, करीम है, मुशफिक है कि वो गैर पर जाने के बजाय बीवी के पास जा रहा है, अल्लाह अजर का सबके का अजर उसको दे रहा है। कौन सी चीज छोड़ी है नाखून काटने में? एक मरतबा नबी करीम सल्लम मोजा पहन रहे थे, एक मोजा पहना था कि दूसरा मोजा पहनने से पहले एक परिंदा, बाद रिवायतों में आता है कौवा, उस मोजे को उठाकर लेकर चला गया, दरख्त पर जाकर बैठ गया, ऊंची जगह पर जाकर बैठ गया। अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा कि भाई क्या हुआ? अल्लाह जो करता है दुनिया में जो होता है अल्लाह के हुक्म से, परिंदा आया है अल्लाह के हुक्म से, मोजा उठाया अल्लाह के हुक्म से गया, अल्लाह देखे होता क्या? तो देखा कि कुछ ही लम्हों में उस परिंदे ने उस मोजे को उल्टा करना शुरू किया, कुछ नोचना शुरू किया, तो उसमें से सांप का बच्चा जमीन पर गिरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखा लोगो अल्लाह ताला मेरी किस तरीके से हिफाजत फरमाता है। और उसके बाद उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी कि तुम बिस्तरों पर जाओ, कपड़ा पहनो, पाजामा पहनो, जुब्बा पहनो, कमीज पहनो, पैंट पहनो, झटक कर पहना करो कि कहीं मोजी कपड़ा ना हो। अगर आप इस कपड़े को ये तो नियत ये कहां अंदर कीड़ा है कि कहां उसके अंदर मच्छर है कि कहां उसके अंदर खटमल है कि कोई सवाब नहीं, ये सोचकर कि मेरे आका ने मेरी अल्लाह अपनी उम्मत को हुक्म दिया, मेरे आका का हुक्म है, ये सोचकर पहनेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़कर पहनेंगे। हदीस पाक में है कि जब तक वो कपड़ा जिस्म पर रहेगा उसके हक में दुआएं मगफिरत करता रहेगा। सब पहनते हैं कोई कपड़ा, सब पहनते हैं, लेकिन झटक कर बिस्मिल्लाह बोलकर दुआ पढ़कर पढ़ेंगे, कपड़ा जब तक रहेगा बलाओं को डिफेंस करता रहेगा। और
इसके हक के अंदर दुआएं मगफिरत करता रहेगा. हमारा सोना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, ये नहीं कि हम मस्जिद में आए तो मुसलमान बन गए और मस्जिद से बाहर गए तो हम खाने में आजाद हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे खाया है, आपने कैसे पानी पिया है, इसमें सवाब छोड़ो साहब, मरने के बाद खबर का मुर्दा तो जिक्र नहीं. वो तो उलमा बोलते हैं, नबी बोलते हैं कि खबर में जन्नत की खिड़की खुलेगी या जहन्नम का दरवाजा खुलेगा. चलो इसको कुछ देर के, लेकिन नगद फायदा दुनिया में है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खड़े होकर पानी मत पियो, बैठ कर पानी पियो. आज मेडिकल साइंस कहती है कि खड़े होकर पानी पीने से हवा और ऑक्सीजन की मिकदार, काफी मिकदार जो मतलूब है, वांटेड है, वो मेदे में नहीं जाती, जिसकी वजह से मुमकिन है वो पानी उसके लिए जहर बन सकता है. सुन्नत भी और दुनिया के अंदर उसका नगद फायदा भी. और कहा कि तीन सांस में पियो और पानी पीने के बर्तन में सांस ना छोड़ो. इंसान जो सांस छोड़ता है जहरीला मादा उसमें निकलता है, पानी खराब हो जाता है. बैठकर इत्मीनान के साथ तीन सांसों में अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह बोलकर पिएंगे. साइंस, मेडिकल साइंस भी उसकी तस्दीक करती है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर के बाद आराम किया करते थे, जिसको हदीस की जुबान में कैलुल्ला कहा जाता है. अब मेडिकल साइंस कहती है कैलुल्ला करने से दिल की बीमारी नहीं आती, कैलुल्ला करने से सुबह में जो दिमाग फ्रेश हो जाता है, तरोताजा होता है, जो दिन में सात मरतबा याद करने से याद होता है, सुबह में उठने के बाद तहज्जुद में फजर के बाद एक मरतबा में याद हो जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कैलुल्लाह के बाद भी यही अल्लाह ताला अजर व सवाब और यही रहमतें बरकतें उस पर मुरतब फरमाते हैं. अगर किसी को नींद नहीं आती है और किसी को वक्त नहीं मिलता है, एक तो ये है, मैंने कहा कि हर चीज शुरू में आपको आदत बनानी पड़ेगी. तहज्जुद में उठना मुश्किल है, फजर में उठना मुश्किल है, मिसवाक का करना कुछ दिन की परेशानी. उसके बाद जब मोबाइल ना हो हमारे पास, जो बेचैनी होती है अल्लाह की कसम उससे ज्यादा बेचैनी मिसवाक के ना होने पर होगी. आदत तो बनाओ. घड़ी भूल कर आ गए, गुस्ल करते वक्त घड़ी हमाम में रखी थी, आप सफर में निकल गए दुकान के लिए, अब टाइम देखने की नौबत आई तो हाथ में घड़ी हो ना हो ऐसे करेंगे, आदमी ऐसे उठाकर कलाई में देखेगा. आदत बन गई वो कि आप घड़ी इतना देखा इतना देखा कि हाथ में घड़ी ना होकर भी टाइम देखने के लिए आप हाथ उठाकर देखा करते हैं. मिसवाक की आदत डालो, बच्चों की घुट्टी में मिसवाक डालो, सुरमा डालो, इत्र डालो, नबी की सुन्नतों को डालो, नबी के तरीकों को डालो. कुछ दिनों के लिए परेशानी, कुछ दिनों का इम्तहान, और उसके बाद ये हमारी आदतें सानिया बन जाएगी. बाजारों में भी जाएंगे जो लोग नमाज पढ़ने के आदि, लगेगा कि अल्लाह के अजाब का शिकार हैं, और जब तक वो नमाज नहीं पढ़ेंगे उनकी तबीयत हल्की नहीं होगी. बीड़ी पीने वाले को बीड़ी की आदत, शराब पीने वाले को शराब की आदत, तो नमाज वाले को नमाज के सुरमे वाले. रात में तीन सलाई सुरमा, दो सीधे में और एक दावे में दरूद पाक पढ़कर, या फकचपना अनका दिफाका फबसरो कल यौम हदीद, या आयत शरीफा पढ़कर या दरूद पढ़कर आप लगाएं, बच्चों को लगाएं, सूरह फातिहा पढ़ना और आयतल कुर्सी पढ़ना, बिस्तरे का झटकना सबको पावन. ए मुन्नी तूने वजू किया, ए हम्मास तूने वजू किया, अबू बकर तुम लगता है तो आकर सो गया नींद में, उठाओ वजू कराओ. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रात का खाना छोड़ता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है. अब वो क्रिकेट का खेला हुआ, स्कूल का पढ़ा हुआ, अब उसको जो है थकान है वो बगैर खाए सो रहा है, तो कहो कम से कम दूध की एक प्याली पीकर नबी की सुन्नत पूरी करने के लिए वो पीकर सो जाए. मजे हैं साहब, मजे हैं सुन्नतों में, मजे हैं. एक जमाना था हमारे अतिबा और डॉक्टरों ने कहा इंसान को बीमारियां मेदे और दांत से आती है, दो दांत है इससे आती है, इसकी सड़ान, इसके जरासीम, इसके बैक्टीरिया, इसके कीड़ों से बीमार. किसके लिए टूथपेस्ट बनाया, इसके लिए ब्रश बनाया. अब झट मार कर कह रहे हैं
कि इन ब्रशों के अंदर सुअर के बालों का इस्तेमाल हुआ है और ये ब्रश दांतों की झिल्ली को कमजोर करते हैं, ये ब्रश मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये ब्रश अगर आप एक महीना डेढ़ महीने में बदलते नहीं तो इसका रिएक्शन होने लगता है। ये एक मिसवाक पैदाइश से लेकर मौत तक चले और मौत के वक्त भी वह आपको कलीमे तैयबा याद दिलाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुंह की पाकी का जरिया है, ये मेमोरी पावर को बढ़ाती है। बच्चों के मार्क्स कम हैं, बच्चों के इम्तिहान के दिन हैं। हदीस पर भरोसा करते हुए एतमाद करते हुए कि मेरे आका के फरमान के नतीजे में मुहद्दिसीन ने कहा कि मिसवाक के इस्तेमाल से मेमोरी पावर बढ़ता है, कुव्वत हाफिजा बढ़ता है, बच्चों के इम्तिहान के दिन है, चलते फिरते उठते। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक का इतना इस्तेमाल करते थे हत्ता युज़हरू फी जमीही आह आह अख अख की आवाज आ जाती थी, यानी बक्कारी जिसको कहते हैं, आखिरी दम तक ये सोचकर कि मैं अपने बच्चे को टॉनिक नहीं दिला सकता मेमोरी पावर का, मैं ट्यूशन नहीं दिला सकता, मेरे अल्लाह मेरे महबूब सल्लम के सत्ते में मिसवाक है। और आपने कहा कि मिसवाक से मेमोरी पावर बढ़ता है, कुव्वत हाफिजा बढ़ता है, कर कर देखिए इम्तिहान में एक नंबर पर आएगा नहीं आएगा। और कहा बलगम निकलता है, कुव्वत हाफिजा बढ़ता है, मुंह साफ होता है। यह है ब्रश में कोलगेट में फुलाम में फुलाम किसी टूथ ब्रश के अंदर ये बताइए आप। अब कह रहे हैं कि साहब ये नुकसान पहुंचाता है और वो मिसवाक 1400 साल पहले से वही है, कैलुल्लाह वही है और सुरमा वही है। आजकल ओपन हार्ट सर्जरी का मसला आम हो चुका है, क्या बच्चा क्या जवान क्या बूढ़ा क्या मर्द क्या औरत, उसके लिए जमीन के कागजात गिरवी रखो, बीवी का जेवर बेचो, कर्ज मांगो, इदारों के पास जाकर भीख मांगो। सच्चा वाकिया है और इस वाकिये का ताल्लुक हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला से जाकर मिलता है, इसलिए कि इस्लामिक हिस्ट्री में इस्लामी तारीख में सहाबाए किराम के दौरे हयात में पहला वाकिया हार्ट अटैक का हजरत साद इब्ने अबी वक्कास जो ईरान के पाते हैं इनको सबसे पहले वाकिया हुआ। रियाज नाम के हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक जी हैसियत आदमी थे, उनको हार्ट अटैक हुआ और एंजियोब्लास्ट करना डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि इंग्लैंड के फुला हॉस्पिटल के अंदर जाए। उनके एक दोस्त थे कर्नल जो साबिक फौजी सरबरा थे और कर्नल थे, उन्होंने कहा कि भाई रियाज कहां जा रहे हैं आप, उनका नाम था असलम बेग। असलम बेग ने कहां जा रहे हैं, इन्होंने कहा मुझे लंदन जाना है, देखो डॉक्टरों की रिपोर्ट है और मेरा काउंट डाउन शुरू हो गया है और मेरा दिल का एंजियोब्लास्ट करना है, वाल ब्लॉक हो चुका है। कहा कि मेरे साथ ये वाकिया हुआ था और फौज में रहते हुए अगर मैं हार्ट की बीमारी हार्ट अटैक को जाहिर करूं तो एक तो नौकरी से भी निकाला जाऊंगा और दूसरा मेरा प्रमोशन भी रुकना ही है और मेरी बेइज्जती होनी है। तो बहुत मैंने ऐसा कोई नुस्खा तलाश किया कि इसको जाहिर भी ना करो और इसका इलाज भी हो जाए। उलमाए किराम से मैंने राबिता कायम किया। रियाज साहब को सलमान असलम बेग साहब ने कहा कि मुझे एक आलिम साहब मिले और उन्होंने हदीस की तहकीक की, कहा कि इस्लामी तारीख में इस्लामी हिस्ट्री में साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला को दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक हुआ था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी हकीम भी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी हकीम भी थे, वो मुआलिजे दुनिया भी थे, वो मुआलिजे आखिरत भी थे, आपसे बढ़कर कौन था हकीम, किसके पास रुजू होते। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुजू हुए। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया के साथ इतने भी उस जमाने के अंदर ओपन हार्ट सर्जरी एंजियोब्लास्ट ये सब कुछ नहीं था। फरमाया अजवा खजूर को उनके बीजों को पीस कर मगज समेत इनको खिला दिया जाए। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर अमल के बाद अमल दरामद के बाद हजरत साद इब्न अबी वक्कास नॉर्मल हो गए और हार्ट की बीमारी दूर हो गई। मिर्जा जनरल असलम बेग को किसी ने यह बताया तो उन्होंने अपना तजुर्बा अपने साथी को बताया
تو ساتھی نے کہا کہ بھئی یہ نازک مسئلہ ہے کہا کہ دیکھو حدیث پر اعتبار ہو بھروسہ ہو تو کرنا تو چنانچہ انہوں نے یہ کہا اجوا کھجور کے بیج کو پیس کر اس کی گٹھلیوں کو برادا کر کر سفوف بنا کر روزانہ صبح نہار پیٹ آدھا ٹی سپون پانی کے ساتھ استعمال کرو دیکھو تو صحیح تو چنانچہ انہوں نے اس کو استعمال کیا اور استعمال کرنے کے بعد جب وہ انگلینڈ گئے اور انگلینڈ جانے کے بعد پچھلی رپورٹ اور موجودہ رپورٹ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا 1995 کو 2002 کو وہ انگلینڈ جا کر پچھلی رپورٹ اور موجودہ چیک اپ کو جب دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا یہ دونوں رپورٹیں ایک آدمی کی نہیں ہو سکتی یہ صدقہ ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات کے اندر بڑی سی بڑی بیماری کی چھٹکاری کا بھی ذریعہ ہے ایڈس ہو سوائن فلو ہو اور بڑے سے بڑی کینسر کی بیماری ہو رجوع کرو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میرے آقا کی طرف دیکھو کہ کس طریقے سے اور اس پر کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا ابھی ہمارے جو ہے ایک صاحب عمرے سے تشریف لائے بتایا 60-65 ریال یعنی تقریباً 1000-1500 روپے انڈیا کے آپ کے لگیں گے آپ منگائیے کون سی چیز کہاں سے نہیں آتی مدینہ طیبہ سے منگائیے یہ آنجیو گلاس کرنا یہ سینے کے ہڈیاں توڑنا اس کے بعد بھی لاکھوں پابندیاں وزن نہیں اٹھا سکتے سیڑھیاں زور سے نہیں چل سکتے کولیسٹرول کی چیز نہیں کھا سکتے چربی نہیں کھا سکتے جناب رضوان صاحب نے بتایا کہ 2002 اور آج یہ دونوں مرزا اسلم کرنل اسلم بیگ رضوان صاحب یہ دونوں زندہ ہیں کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں اس طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے کے اور آپ کے بتائے ہوئے فارمولے کے برکت میں اللہ نے ہمیں صحیح تعلیم رکھا ہے اور آج بھی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ دن اور آج کا دن کوئی ہمیں دل کی بیماری دل کی شکایت نہیں ہوئی ہر قسم کے کہاں بھاگتے ہو ہاسپٹلوں کے چکر میں کہاں بھاگتے ہو اور ان کیا علاج کوئی ضمانت نہیں کوئی ضمانت ہے یہ ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے شفا نہیں دے سکتا لیکن نبی کی روایت نبی کا نسخہ ضمانت ہے شفا دینے کا سو نبی کے طریقے پر کھاؤ نبی کے طریقے پر پانی پیو نبی کے طریقے یہ ضمانت ہے اور دنیا والے جو کہیں گے ضمانت نہیں ایک مشورہ ہے وہ ہمارے جیسے انسان ہیں ان کا مشورہ صحیح بھی ہو سکتا ہے ان کا مشورہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور بعض چیزیں بظاہر دیکھنے میں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی اس لیے صرف اسٹڈیز سے منع کیا گیا ہے پڑھو بھی علماء کی نگرانی میں پڑھو اپنے سے پڑھو گے یہود و نصارہ اسلام مسلمان دشمن ہزاروں چیزیں انٹرنیٹ کے اندر واٹس ایپ کے اندر ڈال رکھی ہے اور انسان یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا یہی قرآن ہے کئی لوگ اس قرآن سے اہل قرآن اسی قرآن کو مان کر جہنمی ہو رہے قادیانی شیعہ یہی تو قرآن پڑھتے ہیں اس سے گمراہ ہو گئے ہمارے علماء ربانی علماء حقانی جو اسلاف کے نمونے پر کلام پاک کی تفسیر اور بیانات کرتے ہیں قریب رہیں گے دنیا کے ہر وسوسے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا دیکھو حدیث پاک میں آیا دجال مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہوتا حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر حدود حرم کے دروازوں میں اللہ نے فرشتے بٹھا رکھے ہیں دجال داخل ہونے کی کوشش کرے گا فرشتے پٹائی کر کر ان کو وہاں سے بھگائیں گے وہ بھاگے گا دجال بات ہوئی اور دوسری روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور نبی کا خواب سچا ہمارے آنکھوں کا دیکھا جھوٹا ہو سکتا ہے نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو آدمیوں کے مونڈے پر ہاتھ ڈال کر طواف کر رہے ہیں اس کے بالکل پیچھے بالکل اسی طریقے سے دجال اپنے دونوں ہاتھ ساتھیوں کے مونڈے میں ہاتھ ڈال کر طواف کر رہا ہے وہ حدیث کہتی ہے دجال آ نہیں سکتا اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کو مانو گے وہ جھوٹی اس کو مانو گے یہ جھوٹی اور نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا نبی کی کوئی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی اس لیے اب نبی تو نہیں آئیں گے نبی کے وارثوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا علماء نے کہا کہ دجال کے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں داخل نہ ہونے کی حدیث بھی سچی ہے اور نبی کا دیکھنا بھی سچا ہے تو پھر یہ کیسے ہو گیا
کہ داخل بھی نہیں ہوگا طواف بھی کر رہا ہے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب تھا کہ جب وہ دجالی کا دعویٰ کرے گا تب داخل نہیں ہوگا. ابلیس ملعون ہے, مردود ہے, لیکن ابلیس کے بارے میں آتا ہے وہ معلم الملائکہ تھا, ملائکہ میں بڑا پوسٹ رکھنے والا تھا. یہ اس وقت تھا جب وہ ابلیس نہیں بنا تھا, یہ اس وقت تھا جب وہ شیطان نہیں بنا تھا, یہ اس وقت تھا جب وہ مردود و ملعون نہیں بنا تھا. تو وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, پڑھتا تھا اور درس دیتا تھا, سجدہ کرتا تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا. اب اگر کوئی کہے کہ شیطان اللہ کی عبادت کرنے والا, نہیں تھا وہ, جب کیا وہ شیطان نہیں تھا. تو دجال نے جب طواف کیا, دجال جب آئے گا دنیا میں, امام مہدی آئیں گے, تب وہ اپنی دجالیت کا دعویٰ کرے گا, اور دجالیت کے دعوے کے بعد وہ حرمین شریفین کے اندر داخل نہیں ہوگا. سمجھ آئی بات؟ اب جب اللہ کے نبی نے اس کو طواف کرتے ہوئے دیکھا, وہ دجال تھا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے بھی دجال ہونے کا دعویٰ کیا تھا. دعوے تو ہزار ہیں, لیکن دجال یہ ہے دعویٰ کرنے کے بعد بنے گا اور اللہ کی مہر لگے گی تب وہ داخل نہیں ہوگا. ابھی وہ دجال نہیں ہے, ابھی وہ دجال بنا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے, باطن کچھ اور ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے ایک لڑکی ہندو کی غیر مسلم کی مسلمانوں کے ساتھ بہت ملا جلنا تھا, اور مسلمان لڑکی بڑی پرہیزگار تھی, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنا, نبی پر درود پڑھنا, اس کو اس کی ادائیں, اس کی سچائی, اس کی صداقت, اس کی امانت, اس کی دیانت بہت پسند آئی. تو پس پردہ اس نے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا, اور کرنے کے بعد اس اپنی سہیلی سے پوچھا, فرینڈ سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, میں نماز پڑھوں گی میرا باپ گاڑے گا, میں گھر کے اندر تلاوت کروں گی میری اماں گھر سے نکال دے گی, مجھے ایسا عمل بتا دے کہ میں کرتی بھی رہوں اور اللہ مجھے اجر بھی دیتا رہے. کہاں ہر کام میں بسم اللہ پڑھ لیا کر, گھر میں داخل ہو بسم اللہ, گھر سے نکلے بسم اللہ, کتاب کو اٹھایا بسم اللہ, پڑھنا شروع کیا بسم اللہ, ختم کیا بسم اللہ. اب وہ آہستہ آہستہ کرتی رہی, لیکن یہ دل کی خوشبو اور دل کی حرارت اور ایمان کی دھڑکن کب تک خاموش رہ سکتی تھی؟ اس گھنٹی کی آواز کو بجنا تھا اور یہ گھنٹی بجی, اور ایک باپ نے کئی مرتبہ اس کو غور کیا, یہ بچی بسم اللہ کچھ پڑھتی ہے, مسلمانوں سے معلوم کیا, ہاں یہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے, یہ بسم اللہ. اچھا یہ لڑکی مسلمان ہو گئی, اگر کوئی یہ ایسی ویسی حرکت کرے بچی ہاتھ سے جائے گی, مسلمان سے بیاہ ہوگی اور ناک ہماری کٹے گی, خاندان کے اندر رسوائی ہوگی, سام بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, بچی بھی ختم ہو جائے, ہماری عزت بھی باقی رہے. تو اس نے ریسرچ کیا کہ عورتوں کی کمزوری ہے کیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا اَوَمَنْ يُنَشَّوُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْقِسَامِ غَيْرُ مُبِينَ. عورت کو اپنے خامن سے بھی اتنی محبت نہیں ہوتی جتنا زر و زیور سے محبت ہوتی ہے. ہمارے شیخ مکی حجازی صاحب جو مطاف کے اندر بیٹھ کر بیان دیا کرتے ہیں, ایک مرتبہ بیان میں فرمایا یہ تو عورت کا زیور سے جو سونے سے تعلق ہے میں اپنے سے نہیں کر رہا ہوں. یہ آیت پڑی او بھائی یونشو فی الحلیا, جو سونے چاندی میں پلتی ہے بڑھتی ہے, ایک اس کا رب اس سے ہو جاتا ہے. حضرت مذاق میں فرمایا کہ آپ اپنی بیگم کو اسکوٹر میں لے کر جائیے گا, اسکوٹر حادثے کا شکار ہوگا تو گرنے کے بعد یہ نہیں پوچھے گی کہ میرے خامن کو کیا ہوا, کہے پوچھے گی کہ میرا ہار کہاں گیا, میرا کام کا مال کہاں, یہ حضرت نے کہا ہے. اتنا تعلق ہوتا ہے عورت کو. تو اس نے عورت کی نفسیات کو پڑھا اور ایک مرد کو تیار کیا کہ تو ایک امانت لا کر میری بیٹی کے سامنے مجھے ایک صندوق دینا, اور اس صندوق کے اندر اس نے خطرناک ایسے اجدے کو رکھا کہ جس انسان کو دیکھتے ہی وہ ڈس لے. تو کوئی باس تھا اس پہ تالا لگا, اس پہ چابی دی اور کہا بچی کو بیٹی دیکھ, بہت قیمتی ہیرے جواہرات کا ہار اس کے اندر موجود ہے, ذرا استعمال کر رکھنا. باپ کو عورت کی مزاج کا پتا تھا کہ یہ چھپے چوری ہی صحیح, کن انکھی سے صحیح, آنکھ کے اشارے سے صحیح, وہ دیکھے گی ہار کیسا ہے. اس لیے کہ عورت کا تعلق زیور سے بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ دیکھنے کی کوشش کرے گی اور سانپ ڈسے گا مر جائے گا تو پھر دنیا والے کے سامنے بھی میرا نام ہوگا کہ میں نے نہیں مارا, سانپ نے اس کو مار دیا. تو چنانچہ اس کو وہ دے دیا اور بستہ دے دیا, اجدا اس کو دے دیا.
اور یہ دیکھ رہا تھا آج لاش آئے گی کل لاش آئے گی لاش تو نہیں آئی آخر کار ایک ہفتہ گزر گیا پھر اس کے بعد اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ تو جب میں میری بچی کے قریب ہوں تو مجھ سے کہنا کہ اس میں رکھا ہوا ہار اٹھا کر وہ مجھے دے دے تو وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد اس سے کہا میں نے آپ کو بکسہ دیا تھا امانت کے طور پر وہ بکسہ اس کے اندر قیمتی ہیرے جواہرات کا ہار ہے آپ اس کو دے دیجئے گا اب اس کو یقین تھا کہ ہو سکتا بچی نہ کھولی ہو اب کھولے گی جو سام ڈسے گا تو ڈسنے کا آئی وٹنس گواہ یہ صاحب بھی ہوں گے اور بچی کی لاش نکل جائے گی بچی مرتی ہے یا بچتی ہے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی جمعہ ایک نئے ہم عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے سانچے کو نبی کے اسوے اور نبی کے سانچے میں ڈھالے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین